हेलो बच्चों, इस वीडियो में बेटा हम 8.1 एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस करे थे क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन 8.1 का। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक, काफ़ी बार ये बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक, एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जो 90 डिग्री से लेस एंगल होते हैं, वो सभी एंगल हमारे पास क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक, तो एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक, कॉस ए की वैल्यू किसके इक्वल है? कॉस बी के इक्वल है। देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सॉल्यूशन का एक तरीका है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। ठीक, ट्रायंगल हमें हमेशा बनाना है, तो एक हमने ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। ठीक, अब इस ट्रायंगल में देखो 90 डिग्री को क्या नहीं लेना है? ना तो एंगल ए लेना है, ना तो एंगल बी लेना है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा, हमेशा हमें यही ध्यान रखना है। तो इसको हम ए मान लेते हैं, इधर हमारा बी मान लेते हैं, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? सी आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो गिवन क्या है हमें? कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है? कॉस बी के इक्वल। ठीक, कॉस ए, अगर ए साइड से देखेंगे, एंगल ए से देखेंगे, तो कॉस का मतलब क्या होता है हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, हमेशा तुम्हें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? ए सी। ठीक, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हमारे पास? ए बी इज इक्वल टू कॉस बी। जब एंगल बी की तरफ से हम देखेंगे, ठीक, तो बेस कितना हो जाएगा हमारे पास? बी सी। बेस कितना हो जाएगा? बी सी। और ठीक, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा हमारे पास? ए बी। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? ए बी। ठीक, तो कॉस ए की वैल्यू ए सी अपॉन ए बी, और कॉस बी की वैल्यू बी सी अपॉन ए बी। ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो देयर फोर हमारे पास ए बी से हम ए बी कैंसिल कर लेंगे, तो ए सी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? बी सी के इक्वल। ठीक, इतना हमारे पास आ गया कि ए सी जो है वो किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल। ये ए सी किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल। ठीक, अब देखो, अगर दो साइड किसी ट्रायंगल के इक्वल हैं, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो हम ऐसा लिखेंगे कि देयर फोर ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक, तो ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया हमारा? आइसोसेल्स ट्रायंगल। और आइसोसेल्स ट्रायंगल में देखो प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास एक थ्योरम होती थी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक, तो वही हम थ्योरम लिख रहे हैं। ठीक, इसके बाद कि सिंस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक, तो ये हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। अब हमारे पास कौन से एंगल इक्वल हैं? ठीक, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, जो साइड इक्वल हैं उनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो साइड हमारे पास कौन कौन सी इक्वल है? देखो, ए सी और बी सी। ठीक, ए सी के सामने क्या कौन सा एंगल है? एंगल बी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास? एंगल बी, ए सी के सामने वाली साइड में कौन सा एंगल है? एंगल बी, इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा? बी सी के सामने वाली साइड। बी सी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल ए। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, प्रूफ बहुत छोटा सा है, लेकिन अच्छा है समझने वाला। ठीक है, तो देखो फिर से समझते हैं एक बार। तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी वो क्या थी? कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये वैल्यू गिवन थी। इन
इससे हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक, एक ट्रायंगल बनाया एबीसी। सबसे पहली चीज़ हमें यही ध्यान रखनी है कि ए और बी जो हमारे पास एंगल दिए हैं उनको हमें 90 डिग्री पे नहीं बनाना है, यानी ए बी हमारे इधर होंगे 90 डिग्री पे, क्या बचता है सी, थर्ड वर्टेक्स हमारी 90 डिग्री हो गई, ठीक। उसके बाद इनकी वैल्यू पुट कर दी, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल ए से बेस हमारे पास कितना हो जाएगा ए सी, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा ए बी। उसके बाद कॉस बी, बी एंगल की तरफ से बेस कितना हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेनियस कितना है हमेशा ए बी, तो ये वैल्यू पुट कर दी, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया हमारा, तो ए सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, बी सी के। तो दो साइड हमारी ट्रायंगल की इक्वल आ गई। जिस ट्रायंगल की टू साइड हमारी इक्वल होती है वो क्या होता है हमारे पास, आइसोसेलस ट्रायंगल। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी हमने 9th क्लास में पढ़ी थी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक। इसी प्रॉपर्टी का, इसी थ्योरम का यूज करके हमने एसी के सामने, जो एसी साइड के सामने कौन सा एंगल है एंगल बी, और बीसी साइड के सामने कौन सा एंगल है एंगल सी, ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल, ये ही हमको प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल ए जो है वो इक्वल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। क्या गिवन है कि इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो किसके इक्वल है 7/8 के, तो हमें फाइंड करना है नंबर फर्स्ट साइन 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ, ठीक। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और नेक्स्ट क्या है सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो देखो सॉल्यूशन में वैसा ही करेंगे कि पहले हमारे पास जो गिवन है, क्या गिवन है, कॉट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है 7/8 के इक्वल, ठीक। तो एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ठीक, एक ट्रायंगल बनाएंगे, उस ट्रायंगल में नाम ए बी सी, ठीक, और ये जो थीटा एंगल है इसको यहाँ पर नहीं लेना है 90 डिग्री पर, तो मान लिया ये हमारा थीटा है। उसके बाद ये हमें ध्यान रखना है पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक। तो कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसके लिए बेस हमारे पास कितना हो जाएगा ए बी, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बी सी। तो देयरफॉर ए बी की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी हो जाने वाली है 7 के, एंड बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 के, ठीक। वेयर वेयर के इज ए, के इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक। अब देखो इसके बाद हमारे पास दो साइड आ गई, ए बी किसके इक्वल है 7 के के, बी सी किसके इक्वल है 8 के के इक्वल। उसके बाद हमें पाइथागोरस का यूज करना है और ए सी फाइंड करना है। तो यूजिंग पाइथागोरस, ठीक, तो पाइथागोरस का यूज करो। देखो पाइथागोरस का यूज करेंगे तो क्या आएगा हमारा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर यानी 7 के का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी 8 के का स्क्वायर। तो 7 के का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 49 के स्क्वायर प्लस 8 के का स्क्वायर, 8 हमारे पास 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 के स्क्वायर। ये किसके इक्वल आएगा हमारा ए सी का स्क्वायर। उसके बाद ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 49, और 64 को हम ऐड करेंगे तो 113 के स्क्वायर, यानी ए सी की जो वैल्यू है किसके इक्वल आ जाएगी अंडर रूट 113 के स्क्वायर, यानी अंडर रूट 113 और बाहर से कितना आ जाएगा के, अंडर रूट 113 के। तो ये जो साइड है हमारे पास वो कितना आ गया अंडर रूट 113 के, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके हमने ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड कर ली। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, देखो साइन थीटा की और कॉस थीटा की, तो हम ये वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इनका यूज करके साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो इसके बाद साइन थीटा की वैल्यू, तो देयर फॉर साइन थीटा, इसके बाद यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास बी सी, हाइपोटेनियस कितना ए सी, बी सी की वैल्यू कितनी है 8 के, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 113 के,
के से के कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/√113। उसके बाद हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा एंड कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास कितना है ए बी, हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है ए सी। ठीक, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7k, ए सी की वैल्यू कितनी है √113। के से के कैंसिल, वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/√113। ठीक, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें जो फाइंड करना है फाइंड करते हैं। ठीक, तो देखो हमें जो फाइंड करना है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट में 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक, तो देखो इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो 1 तो ऐसी है, प्लस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8/√113 इंटू 1 - sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8/√113, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। उसके बाद 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा की वैल्यू कितनी है 7/√113 इंटू 1 - 7/113। इसको सॉल्व करना है तो हमारी इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको, देखो ये क्या है हमारे पास a + b, a अगर हमारे पास 1 है, ये हमारे पास b है, तो ये क्या हो जाएगा a + b, a - b, सेम नीचे a + b, a - b। तो इसका यूज करा है कि a + b इंटू a - b, ये किसके इक्वल होता है a² - b² के इक्वल। तो किसके इक्वल आ जाएगा 1² - b का, मतलब 8/√113 इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक, अपॉन, ठीक, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1² - 7² 7² यानी 7/√113 का स्क्वायर। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो किसके इक्वल आएगा हमारा 1 - 8 = 64 √13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 113, 1 - 49/113। उसके बाद देखो LCM लेंगे तो किसके इक्वल आएगा 113 - 64/113 whole 113 - 49/113। LCM लेंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में तो इसके इक्वल आ जाएगा 113 - 113 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 49 और डिनोमिनेटर में कितना बचा 64। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर सिंपल कैलकुलेट करना है। ठीक, उसके बाद देखो सेकंड। ठीक, तो साइड से हम सेकंड फाइंड कर लेते हैं। तो सेकंड देखो बहुत सिंपल है, सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। देखो कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करें या कॉट थीटा का होल स्क्वायर फाइंड करें वो एक ही बात है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये दोनों हमेशा एक बात होती हैं, चाहे हमारा कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों ना हो। ठीक, तो कॉट थीटा की वैल्यू पहले से ही गिवन थी, कितनी है 7/8, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 49/64। ये हमारा सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या गिवन है कि 3 cot a = 4। ठीक, 3 cot a की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है। चेक वेदर 1 - tan² a / 1 + tan² = cos² - sin² a। ठीक, हमें ये चेक करना है कि ये जो क्वांटिटी है इसके इक्वल है या नहीं है। चेक वेदर दिस इक्वल टू दिस और नॉट। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। देखो इसका यूज करके हम इसकी वैल्यू अलग फाइंड करेंगे, RHS की वैल्यू अलग फाइंड करेंगे, उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो गिवन क्या है, 3 cot a की वैल्यू 4 के इक्वल, तो दिस इम्प्लाइज दैट हम क्या कह सकते हैं, तो cot a की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 4/3 के। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक, ट्रायंगल बना लेंगे ABC। ठीक, ट्रायंगल में हमें क्या ध्यान रखना है, एंगल ए को 90° नहीं लेना है। ठीक है, अब देखो cot थीटा किसके इक्वल होता है, तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे, उसके बाद PBP / HHB।
तो कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, ये हमारा कॉट थीटा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है इसमें, अगर एंगल ए से चेक करेंगे तो बेस हमारे पास कितना है ए बी अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास बी सी। ठीक, तो देयरफॉर हमारे पास ए बी कितना आ जाएगा 4 × k एंड बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 k, वेयर वेयर k इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, जो k होगा वो क्या होगा हमारा पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, उसके बाद देयरफॉर पाइथागोरस का यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो देखो किसके इक्वल आएगा हमारा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, तो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा हमारे पास, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल है 4k का स्क्वायर, प्लस बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल है 3k का स्क्वायर। ठीक, तो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, यानी हमारा कितना आ गया है 25k स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 25k स्क्वायर, यानी ए सी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो अंडर रूट 25k स्क्वायर यानी 5k। तो हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड आ जाएंगी। ठीक, ए बी हमारे पास कितना था 4k, बी सी हमारे पास कितना था 3k, और ए सी हमारे पास कितना आ गया 5k। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें टेन ए चाहिए इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, और कॉस ए और साइन ए, तो ये सारी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद हम क्या वैल्यू फाइंड करेंगे कि साइन ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन ए किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना होगा इसमें बी सी अपॉन हाइपोटेनियस हमारे पास कितना होगा। ठीक, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास बी सी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है ए सी, बी सी की वैल्यू कितनी है 3k, ए सी की वैल्यू कितनी है 5k, के से के कैंसिल, वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी किसकी है, साइन ए की। उसके बाद हमें क्या चाहिए, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए किसके इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास ए बी, हाइपोटेनियस कितना है ए सी, ए बी की वैल्यू कितनी है 4k, ए सी की वैल्यू कितनी है 5k, के से के कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 4/5, ये कॉस ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टेन ए की। ठीक, बाद में इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है, वो हम वहीं पे सॉल्व आउट कर लेंगे। तो टेन की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का मतलब बी सी, बेस का मतलब ए बी, बी सी की वैल्यू 3k, ए बी की वैल्यू 4k, के से के कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 3/4। ये हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद हम LHS की वैल्यू निकालेंगे और RHS की। LHS RHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक, तो देखो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। देयरफॉर हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a। 1 - tan² a का मतलब क्या होता है, 1 - हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10a का होल स्क्वायर। इससे पहला वाला क्वेश्चन ने ऐसा ही करा था, अपॉन 1 + tan a का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे, देखो 1 - tan a की वैल्यू कितनी हमारे पास 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, कितना हो जाएगा, 1 - 9/16 अपौन 1 + 9/16। उसके बाद LCM लेंगे, तो देखो LCM लोगे तो कितना आएगा, 16 - 9/16 होल अपॉन 16 + 9/16। ठीक, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक, और 16 + 9 कितना हो जाएगा 25। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, तो 1 - tan² अपॉन 1 + tan² की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 7/25। अब उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड cos² a - sin² a, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, देखो cos² a का मतलब क्या होगा, cos a का स्क्वायर - sin a का स्क्वायर।
कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 4/5, यानी 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 3/5, यानी इसका स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16/25 माइनस 9/25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना हो गया हमारे पास 7/25, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये क्या आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमने देखा इसकी वैल्यू कितनी है 7/25, इसकी भी वैल्यू कितनी आई 7/25। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक, वी गेट, ठीक, हम क्या कह सकते हैं कि 1 माइनस tan² a / 1 + tan² a की जो वैल्यू है किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9th कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ टेन इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सेकेंड है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक, तो सॉल्व करना है हमें, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो गिवन है उसका यूज करके हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसकी तीनों साइड फाइंड करेंगे, ठीक, और उसके बाद हमें जो वैल्यू चाहिए उस वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो साइन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉस सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद इन सब की वैल्यू फाइंड कर देंगे जो हमें चाहिए। तो एंगल बी पर क्या है, राइट एंगल, ये हमारा ए हो गया, ये एंगल हमारे पास सी हो गया। ठीक, तो देखो क्या गिवन है हमारे पास, टेन ए किसके इक्वल है 1/√3, ठीक, 1/√3, टेन का मतलब क्या होता है, PBP/HHB, टेन का मतलब क्या होगा हमारे पास, साइन कॉस टेन, perpendicular/base, perpendicular कितना, अगर एंगल ए से देखेंगे तो BC, बेस कितना है हमारे पास AB, तो therefore BC इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 into K का मतलब K, एंड AB की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी √3 into K के इक्वल, वेयर के इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, देयरफॉर अब हम पाइथागोरस का यूज करेंगे, ट्रायंगल की थर्ड साइड फाइंड करेंगे, तो देयरफॉर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस √3K का स्क्वायर। ठीक, जब वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 4K का स्क्वायर। इसके बाद हम निकालेंगे AC की वैल्यू, तो किसके इक्वल आ जाएगी √4K स्क्वायर, यानी AC किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2K के इक्वल। ठीक, AC किसके इक्वल आ गया 2K, AC हमारे पास कितना आ गया 2K। ठीक, उसके बाद BC हमारे पास कितना था K, और ये कितना था AB √3 into K। उसके बाद जो जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें क्या क्या चाहिए, साइन ए उसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉस सी निकालेंगे, कॉस ए निकालेंगे, साइन सी निकालेंगे, ये चार वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक, तो देखो फाइंड करते हैं, इसके बाद ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई, उसके बाद वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर हमें जो सॉल्व करना है उसको सॉल्व करेंगे। तो देयरफॉर साइन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन ए, एंगल ए से देखना है, वैसे साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल ए से देखेंगे परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास बी सी, हाइपोटेनियस कितना है ए सी, बी सी की वैल्यू के, ए सी की वैल्यू 2K, के से के कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इसके बाद हमें क्या निकालना है, एंड कॉस सी, कॉस सी, ठीक है, कॉस किसके इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल सी की तरफ से देखना है भाई, बेस कितना हो जाएगा हमारे पास बी सी, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा ए सी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बी सी, के इक्वल अपॉन 2K, के से के कैंसिल, ये वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2। ठीक, उसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉस ए की वैल्यू चाहिए, कॉस ए, ठीक, कॉस ए किसके इक्वल आएगा, एंगल ए से कॉस को देखेंगे तो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है ए बी, हाइपोटेनियस कितना है ए सी। ठीक,
ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अंडर रूट 3k, ठीक, और ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2k, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 3/2, ठीक। उसके बाद हमें लास्ट वैल्यू और क्या चाहिए, साइन सी, तो किसकी वैल्यू चाहिए, साइन सी। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सी की तरफ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आएगा, ए बी, हाइपोटेनियस कितना है, ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3k, ए सी की वैल्यू कितनी है, 2k, के से के कैंसिल, वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3/2। तो हमें जितनी भी वैल्यू फाइंड करनी थी हमने सारी निकालनी, कॉस ए, ठीक है, कॉस ए, साइन ए, कॉस सी, साइन सी, ये सारी वैल्यू फाइंड कर दी। देयर फॉर अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करेंगे, ठीक। अब फर्स्ट नंबर हमें फाइंड क्या करना है इसके बाद, तो फाइंड फर्स्ट, ठीक। देयर फॉर फर्स्ट नंबर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देखो, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, रखते हैं वैल्यू। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3/2 इंटू कॉस, ठीक है, इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3/2। वैल्यू रखेंगे 1/2 इंटू 1/2, 1/4, प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, 3/2, 2×4, किसके इक्वल आ गए, 4/4, वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका, 1। उसके बाद हमें देखो सेकेंड में क्या निकालना है, सेकेंड में निकालना है हमें कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक। कॉस ए किसके इक्वल है, देखो कॉस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अंडर रूट 3/2 इंटू कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू, सॉरी साइन सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अंडर रूट 3/2। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, ये किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट 3/4, ये भी किसके इक्वल है, अंडर रूट 3/4, कैंसिल आउट हो गई, वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी वैल्यू कितनी है, 1, और सेकेंड में कितनी वैल्यू है इसकी, 0, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर क्वेश्चन, हमारा 8.1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक। तो देखो क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल कहाँ पर है, वो क्यू पर राइट एंगल है, ठीक। उसके बाद हमें हमारे पास जो गिवन वैल्यू वो क्या है, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, ठीक। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसका यूज करके हम ट्रायंगल की साइड फाइंड करेंगे, ठीक। तो क्या गिवन है इस हमारे पास, पी आर प्लस क्यू आर, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 25, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। पी क्यू गिवन है हमारे पास, पी क्यू साइड कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक। राइट एंगल कहाँ पर बनाना है हमें, क्यू पर, पहले से ही गिवन है, तो हमारा P हो गया, हमारा R हो गया, पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन गया, पी क्यू की वैल्यू पहले से ही 5 सेंटीमीटर हमको गिवन है, ठीक। अब देखो पाइथागोरस का यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो देखो किसके इक्वल आएगा हमारा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक। पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 25 के, ठीक। अब देखो इसमें हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये क्या हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी, ठीक, पी आर प्लस क्यू आर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू कितना है, 25। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है, ठीक, क्वेश्चन में क्या गिवन था, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 25, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 25 इंटू, ठीक, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी
पी आर माइनस क्यू आर की वो किसके इक्वल आ जाएगी, वन के, इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन वन और टू को सॉल्व करेंगे और दोनों साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन और टू को ऐड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इक्वेशन वन में इक्वेशन टू को ऐड करना है। तो देखो इक्वेशन वन में इक्वेशन टू को ऐड करेंगे तो पी आर और पी आर ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, टू पी आर। क्यू आर और क्यू आर ही प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, टू पी आर इक्वल टू, ठीक, 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 13 सेंटीमीटर, ठीक। पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 13 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। अब इस पी आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन चाहे इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो देयर फॉर क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 25 माइनस 13 यानी 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, साइन पी, ठीक। तो साइन पी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देयर फॉर साइन पी, साइन पी किसके इक्वल होता है, साइन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल पी से देखेंगे परपेंडिकुलर कितना निकलेगा हमारा, क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, पी आर, ठीक। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 12, पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। तो साइन पी की वैल्यू हमारे पास 12 अपॉन 13। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस पी की। तो देखो कॉस पी, कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहाँ पर, पी क्यू, हाइपोटेनियस क्या है, पी आर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5, पी आर की वैल्यू कितनी है, 13। तो कॉस पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 अपॉन 13। उसके बाद लास्ट वैल्यू निकालनी है हमें टेन पी, टेन पी। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है हमारा, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, क्यू आर, बेस कितना है हमारे पास, पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12, पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5। तो टेन पी की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 12 अपॉन 5, ठीक। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।